Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the daily session of current affair. Today is 13th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. And I hope that you are ready with pen and paper. So just start with question number one. What is ADB? Recently projected India's GDP for 24-25. ये ADB क्या है? अभी इन्होंने इंडिया की GDP को प्रोजेक्ट किया है 2024 और 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए. तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए बन जाता है कि आप मेरे को बताएं कि फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में है वो किस डेट से किस डेट तक होती है. आप बताओ मेरे को कमेंट्स में. सो गाइज, द करेक्ट आंसर इज कि ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है. सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर टू. द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन. तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है. इट मीन्स इट्स मेन फोकस इज एशिया. सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन किस ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया? So, फटाफट से आप रिप्लाई करो किस ईयर में इसको एस्टेब्लिश किया गया. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1966. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये 1966 में हुआ था. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था केन्स फिल्म फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री. कल जब हम बात कर रहे थे केन फिल्म फेस्टिवल की, बिकॉज इंडिया की एक मूवी लास्ट 40 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की किसी मूवी को केन्स फिल्म फेस्टिवल में स्पेस मिला है, उनको प्लेस मिला है कि उनकी कंपटीशन में वहां पर स्क्रीनिंग होगी, फिर वहां से उनको डिसाइड किया जाएगा कि किसको अवार्ड मिलना है. मीन्स एक बड़ी बात है कि 40 इयर्स में हमारी कोई ऐसी मूवी नहीं थी कि कम से कम कंपटीशन की लिस्ट में तो आ जाए, है ना. तो ये हमारा जो केन्स फिल्म फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रांस में. ओके, सो फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, ठीक है. और पेरिस में ही एक जगह है बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट इज एफिल टावर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू गेन रिकॉग्निशन एट द केन्स आफ्टर इट वॉज अवार्डेड पाम डी ओर. जब इसको पाम डी ओर मीन्स अवार्ड दिया गया था, जिसको हम केन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी बोल देते हैं, तो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसको अभी तक केवल, देखो इंडिया से केवल एक फिल्म हुई है अब तक जिसको ये अवार्ड मिला है, है ना. बाकी इंडिया का जो बॉलीवुड है बड़ी तगड़ी तगड़ी मूवी देता रहता है, लेकिन अभी तक कोई एक अवार्ड इनको नहीं मिला है. ये मूवी थी नीचा नगर. कौन सी मूवी थी? नीचा नगर. ये हिंदी में आपको लिख करके बता दिया मैंने. सो नीचा नगर, दिस वॉज द मूवी विच गॉट फर्स्ट टाइम द केन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, दैट इज पाम डी ओर अवार्ड. रिसेंटली विच इंडियन फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड फॉर कॉम्पिटिटिव स्क्रीनिंग इन केन्स फिल्म फेस्टिवल. अब एक कौन सी मूवी है जो अब अगेन एक बार फिर से इस कॉम्पिटिटिव स्क्रीनिंग में आई है आफ्टर 40 इयर्स, ठीक है. तो ये कौन सी मूवी है? इस मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट. ये अभी मूवी है, इसको कॉम्पिटिशन में वहां पर स्क्रीनिंग किया जाएगा. देखो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, हैव टू मेक इट क्लियर. देखो ये जो मूवी थी इसको प्रॉपर अवार्ड मिला था, ठीक है. और ये जो मूवी है इसकी अभी जस्ट स्क्रीनिंग होनी है. अवार्ड बात की बात है, अभी फिलहाल क्या है कि ऐसे समझो कि सेमीफाइनल हो रहा है यहाँ पे. तो सेमीफाइनल तक एक मूवी हमारी पहुंची है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स. फिल इन द ब्लैंक. अ फॉर्म ऑफ ब्लैकमेल वेयर समवन थ्रेटन्स टू शेयर अ न्यूड और सेक्सुअल इमेज और वीडियो ऑफ यू अनलेस यू गिव इन टू देयर डिमांड्स. मीन्स ये एक ब्लैकमेल का ही एक तरीका है जिसमें किसी को थ्रेट किया जाता है कि भाई आपका हम जो है एक आपका न्यूड पिक है या वीडियो उसको शेयर कर देंगे, या सेक्सुअल इमेजेस आपके शेयर कर देंगे, या आपका वीडियो शेयर कर देंगे. इस तरीके से उनका एक्सटॉर्शन किया जाता है. तो क्या है ये? साइबर फ्रॉड, वायरस, डार्क वेब या सेक्सटॉर्शन? द करेक्ट आंसर इज सेक्सटॉर्शन. इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली फेसबुक ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज स्टार्ट किया है जिससे कि वो सेक्सटॉर्शन को रोक सकें, बिकॉज बहुत सारे टीनेजर्स बच्चे जो अपने हैं
उनके साथ में ऐसे इश्यूज आते हैं। विच वन कंपनी हैज बीन रीब्रांडेड एज मेटा, किस कंपनी का नाम अभी रिसेंटली जो है, हालांकि काफी टाइम हो गया, उसका नाम मेटा कर दिया गया है, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, याहू। द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। अभी फेसबुक का नाम भी क्या है, मेटा है, ठीक है, और ट्विटर का नाम पलट करके हो गया है एक्स। सो दिस इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 8, लू इज अ लोकल विंड इन विच कंट्री। जो लू की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द वार्निंग गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने अपना एक वार्निंग दिया था कि भाई लोगों को हीट वेव से बच करके रहना होगा, बिकॉज इससे बहुत सारी डेथ होती है एवरी ईयर इन इंडिया। तो यहाँ हमको जानना होगा कि लू इज अ लोकल विंड इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की एक लोकल विंड है ये? दिस इज द विंड फ्रॉम इंडिया। इंडिया की एक लोकल विंड है, दैट इज कॉल्ड लू, है ना, जिसको कई बार लोकल नेम्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, बट ये क्या है, बहुत ही ज्यादा वार्म, क्या कहूँ, कई बार तो उसको हम हॉट कहना पड़ेगा, इसको हॉट एयर चलती है और लोगों का बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, हैजा हो जाता है, और इवन इसकी वजह से डेथ तक हो जाती है लोगों को, जब आप जून के मंथ में अगर आप इसको देखेंगे तो। चिनूक विंड्स, हमने कल आपको बताया भी था कि हम कल चिनूक के बारे में पूछेंगे आपसे, तो चिनूक विंड्स और सिंपली चिनूक्स आर अ वार्म ड्राई विंड। कैसी है ये, देखो वार्म है, ड्राई है, दैट ब्लोज मोस्टली इन द विंटर। और कब बहती है ये, विंटर सेशन में, ध्यान रखना है गर्म, लेकिन कब है, विंटर सेशन में, विंटर सीजन में, अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ, तो कहां, कौन सी माउंटेन की ईस्टर्न स्लोप पर ये चलती है, ठीक है। चिनूक का एक नाम और है, मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है स्नो ईटर, बर्फ को खाने वाली, स्नो ईटर इसका नाम है, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये कौन सी विंड की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज रॉकी माउंटेन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये जो माउंटेन्स हैं, आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका के लिए माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन नहीं, यहाँ पर भी नहीं, आल्प्स माउंटेन आपको पता होगा, और एंडीज माउंटेन्स ये भी आपको पता होगा। चलो मेरे को आप बता दो ये तीनों माउंटेन्स कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये एक और क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बेसिक सा। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन क्लाइमेट टाइप हैज द मेन फीचर, कौन सा क्लाइमेट फीचर इंडिया का है, ये साइबेरियन है, नहीं, देखो रशिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, अंटार्कटिका आपको पता होगा, जो अंटार्कटिक है नीचे साउथ में एक जो है कॉन्टिनेंट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसून क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून क्लाइमेट है। टूडेज करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी न्यूज में है कि इन्फ्लेशन स्लोड, येट नो रिलीफ ऑन फूड बिल्स। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो इन्फ्लेशन जो है वो कम तो हुआ है, लेकिन अभी फूड में, फूड का जो इन्फ्लेशन है वो अभी उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। सो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इन्फ्लेशन की, तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज द प्राइस राइज। प्राइस राइज मीन्स प्राइस का जो है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सर्विसेज होती है, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और द वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, और इंडिया में इन्फ्लेशन जो है आपको कंट्रोल करने के लिए RBI वर्क करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिल करके। तो ये है आपका इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि न्यूज है हमारे पास, UCC एंश्योर्स लिव इन कपल्स रिमेन सेफ। अब आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, तो इनका एक इंटरव्यू हुआ द हिंदू में, और इनके बात पूछी गई, देखो आपके यहाँ ये जो UCC आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए है, क्या है? तो देखो इसके जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर जो द हिंदू में है, जो पेज नंबर 4 पर डिटेल में दिया गया है, मैंने उसको रीड किया है, तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल करके आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ ऐसे इसमें लॉ लेकर के आए हैं कि जो गर्ल्स का एक्सप्लोइटेशन होता है, ठीक है, मींस कि जैसे लिव इन वाला जो एक सिस्टम चलता है, तो उसमें क्या करते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर्स या जितने टाइम तक आप जो है एज अ पति पत्नी साथ में रहते हैं, बट विदाउट मैरिज, आपकी मैरिज उसमें नहीं होती है। अब कई बार उसमें क्या होता है
कि गर्ल्स के साथ में इसमें एक्सप्लोइटेशन हो जाता है, वो उनको छोड़ देते हैं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनके कोई बेबी हो जाता है, चाइल्ड हो जाता है। अब वो चाइल्ड किसका, कौन उसको बेयर करेगा, कौन की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, प्रॉपर्टी राइट्स उसके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ऐसे इश्यूज को सॉल्व करता है यूसीसी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो किसी कम्युनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं वो ये मानेंगे ही नहीं कि ये इसमें कुछ भी गलत है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में, ऐसा इनका कहना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये रहा मैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप उस दिन क्या करेंगे, न्यूज पेपर्स में ज्यादातर देखेंगे आप क्या, पॉलिटिकल न्यूज। तो ये देखो कैसी न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इसमें से आप अपने मतलब की चीज कैसे ढूंढ सकते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है वो लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन को हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन अभी ये कौन सी लोकसभा है, तो ये अभी जो चल रही है, मींस जो 2024 के जून में फिनिश हो जाएगी, ये 17th लोकसभा है। इट मींस जो इलेक्शन चल रहे हैं अभी, जो इलेक्शन चल रहे हैं वो आपके होने हैं 18th लोकसभा के लिए। तो आप यहाँ इस तरह से नंबर याद रख सकते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि भाई लोकसभा का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। प्लस आप फिर इसमें ये देख सकते हैं कि लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, है ना, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, कितना उसमें नॉमिनेशन होता है। तो ऐसे पॉइंट्स को आप स्टैटिक वाले पोर्शन को लोकसभा के रिगार्डिंग में आपको देख लेना होगा, जिससे कि जो स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे लोकसभा इलेक्शन की करंट जो है न्यूज की वजह से, तो आप उनको बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लिए न्यूज उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि देखो एक बहुत ही ज्यादा भयानक एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। देखो ऐसे भले ही आपके एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन लाइफ में आपको जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बहुत ज्यादा आपके मींस ब्रॉडन करते हैं कि मदर थ्रेटन्ड गाजियाबाद चिल्ड्रन, पुल्ड आउट देयर नेल्स एज हर पार्टनर रेप्ड देम। ये एक मदर की बात है, यहाँ पर एक महिला की बात है। हुआ क्या है कि इसका अफेयर है किसी एक अदर पर्सन के साथ में, इसके ऑलरेडी दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, गर्ल है एक बॉय है, और ये दोनों बच्चे अराउंड 12 से 13 ईयर के बच्चे हैं, है ना। अब देखो इसका कि इसका जो बॉयफ्रेंड है उसने कई बार इन दोनों बच्चों का रेप किया, ठीक है। अब वो बच्चे अगर कंप्लेन वगैरह कहीं करना चाहते हैं तो उनकी खुद की मदर ने उन बच्चों के जो नाखून होते हैं उंगलियों के, आपने देखा होगा कि पुलिस में दिखाया गया होगा या टेररिस्ट एक्टिविटीज मूवीज में कई बार दिखाते हैं, तो इन बच्चों के नाखून खींच लिए उसने प्लास से, ठीक है, उनको डराने के लिए कि तुम पुलिस वगैरह में कहीं कंप्लेन नहीं करोगे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट गाजियाबाद में हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, मीन्स वो बच्चे भाग करके जैसे तैसे कहीं से घूम करके दिल्ली में आ गए और सड़क के किनारे वो भटक रहे थे, रोमिंग कर रहे थे, वॉन्डरिंग कर रहे थे, तो वहां पर देखा तो पुलिस की टीम ने उनको बच्चों को लिया और उनको रेस्क्यू किया उनका बच्चों का। तब उनको एक ठीक प्लेस पर उनको रखा गया है फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, सोसाइटी में कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिनको हम सोशल इश्यूज बोलते हैं, जो हमेशा जो है साइकोलॉजी किसी की भी हो उससे भी कनेक्टेड रहते हैं। हो क्या रहा है सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग, देखो उनके ऊपर जो उनकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो इतनी हावी हो चुकी हैं कि उसके सामने उनको कुछ नहीं दिखता। हिंदी में एक वर्ड है उसका कामांध, कि काम वासना में अंधा हो जाना। और आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो फिर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी कोई एक नॉर्मल डिजायर ही उसको दिखाई देती है। यहां से हमें एक चीज देखने को मिले कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, इवन मदर्स को ये माना जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी है। बच्चों का अगर सबसे बड़ा कोई चिंतक है, कोई हितैषी है, तो वो है उनकी मदर। लेकिन यहाँ मदर ने जब ऐसा किया है तो यहाँ से मींस एक पूरी सोसाइटी के लिए धब्बा हो जाता है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है कि ह्यूमन की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ जा रही हैं, अपने अपनी खुद की वासनाओं के लिए, अपनी खुद की डिजायर्स के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हम छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनके साथ में भी इस तरीके का हम एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। और इस सबके पीछे का लालच है, देखो कारण है उसका ग्रीड। अब वो ग्रीड किसी भी तरीके की हो सकती है, फिजिकल ग्रीड हो सकती है, मॉनेटरी ग्रीड हो सकती है, पॉपुलैरिटी की ग्रीड हो सकती है, या इसी तरीके से बहुत सारी ग्रीड हो सकती है।
देखो सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, आपको इन चीजों से बहुत बच करके रहना होगा। इसके पीछे के बहुत सारे रिसर्च आते रहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है पॉर्न इंडस्ट्री। ठीक है, आप कसम खा लीजिए कि जीवन में कभी भी आप लाइफ में अपनी पूरी लाइफ में कभी भी आप कोई पॉर्न मूवी आप नहीं देखेंगे, कभी कोई ऐसी न्यूडिटी वाली चीजें आप बिल्कुल मत देखिए। ये दिमाग को इतना कीचड़ भर देती है, गंदा कर देती है कि जो आने वाला जो डेवलपमेंट है आपका उसका सर्वनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आज के दौर में यदि किसी के साथ में लोग दुश्मनी निकालते हैं तो उनको उनके बच्चों को मींस ड्रिंक की आदत लगाते हैं, उनके बच्चों को पॉर्न दिखाने की आदत लगा सकते हैं, उनके बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा सकते हैं। ये आज के जमाने में युद्ध लड़ने के तरीके रह गए हैं। तो आप ये कसम खा लीजिए कि जिंदगी में आपको कभी भी जो है इस तरीके की चीजों के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। ठीक है, तो इस वाले इस सेशन को आप दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, बच्चों तक, आपके फ्रेंड सर्कल में, कि देखो आपको इन चीजों से हमेशा बचना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि वेस्ट एशिया ऑन एज अमिड फियर्स ऑफ ईरान्स हिट। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो इजराइल है, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने एक अटैक किया था सीरिया पर, और सीरिया में ईरान की क्या थी, कॉन्सुलेट था, वहां की उनका ऑफिस था, डिप्लोमेटिक ऑफिस, उस पर भी कोई बम गिर गया। हालांकि न तो इसराइल ने इस बात से डिनाई किया है, ना ही इसको एक्सेप्ट किया है कि हमारे बम या हमारे अटैक की वजह से वहां पर ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब बात ये हो रही है कि देखो वेस्ट एशिया में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़े लेवल का कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला है, बिकॉज अभी तक जो वॉर चल रहा है उसमें एक तरफ इधर सीरिया, थोड़ा सा सीरिया इन्वॉल्व है उसमें, और दूसरी तरफ जो हमास के टेररिस्ट हैं वो इन्वॉल्व है, और तीसरी तरफ आपका जो मेन है वो है इजराइल। लेकिन अगर अब इसमें ईरान अगर इस युद्ध में शामिल हुआ तो ये पूरे वेस्ट एशिया को एज मींस किनारे पर ला करके खड़ा कर देगा एक लार्ज स्केल वॉर के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है, देखो चाइना ने रिक्वेस्ट किया यूएसए को कि देखो आप इस वेस्ट एशिया में क्या करो, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करो आप, मींस जो आपका इजराइल, आपको पता होगा तो इजराइल है वो दोस्त है किसका, यूएसए का, है ना। इधर जो ईरान है इससे अच्छी दोस्ती है किसकी, चाइना की। तो चाइना से कहा है यूएसए ने कि देखो आप ईरान को समझाइए कि इसराइल वगैरह पर या वहां पर कुछ ऐसे बड़े अटैक्स ना करें, हमको कोशिश ये करनी होगी कि जो इश्यूज हैं उनको टॉक से, बातों से उनको सॉल्व करना होगा, मींस हमको ऐसा नहीं करना होगा कि दूसरों की बातों में आकर के। देखो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होंगे, लीडर्स होंगे जो इसराइल के लीडर्स को भड़का रहे होंगे कि मारो भाई अटैक करो, वैसा ही ईरान के भी समर्थन में कुछ कंट्रीज होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे जो उनको भड़का रहे होंगे, वैसे ही सीरिया में भी लोग होंगे जो सीरिया का जो लीडर है उसको जो है धमका रहे होंगे या जो है उसको इंस्टिगेट कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे कि ठीक है आप युद्ध में मारो हम आपके साथ हैं। वैसा ही हमको यूक्रेन में देखने को मिला कि यूक्रेन को जो है सपोर्ट किया किसने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूरोप के कंट्रीज हो गए, उसमें यूएसए हो गया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और कहा यूक्रेन से, समझाया यूक्रेन को ठीक है भाई आप युद्ध करो हम आपके साथ में। अब हुआ क्या, डिस्ट्रक्शन किसका हुआ उसमें, एक तरफ यूक्रेन का हुआ तो दूसरी तरफ में रशिया का हुआ, और जो लोग पीछे से आप इनको सपोर्ट कर रहे थे इन कंट्रीज को उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन असली डिस्ट्रक्शन किसका हुआ, असली डिस्ट्रक्शन हुआ इधर यूक्रेन का हुआ और उधर हमास का हुआ। तो यहां से आप एक बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि देखो पीठ पीछे आपको भड़काने वाले लोग, आपको इंस्टिगेट करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही फ्रंट पर लड़ाई की बात आएगी है ना, तो वो कहीं नहीं आपको मिलेंगे, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, वो डिसअपीयर हो जाएंगे, और आप जो है जिस व्यक्ति से भी पंगा ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप इसमें ह्यूमन रिलेशंस की बात कर लो या आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज के रिलेशंस की बात कर लो, सब जगह पर यही होगा कि कुछ लोग आएंगे आपके पीठ पीछे आपको भड़काएंगे कि ठीक है भाई तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो केवल इंटरनेशनल मीन्स कंट्रीज के रिलेशंस नहीं, ह्यूमंस के जो रिलेशंस हैं उनमें भी इसी तरीके की चीजें होती हैं, और लोग एक दूसरे के कंधे का यूज करते हैं जो है अपने फायदे के लिए। तो आपको भी इन ह्यूमन रिलेशंस में भी आपको ये चीजों को क्या करना है, सीखना होगा कि देखो कैसे लोगों का यूज कर लिया जाता है। इधर यूक्रेन का यूज कर लिया, लाखों लोग उसके सोल्जर्स मारे गए, उधर यूज कर लिया हमास का, यूज कर लिया है ना किसने, ईरान ने हमास का यूज कर लिया उसने, ईरान ने, बिकॉज
ईरान जो है फ्रंट की लड़ाई इसराइल के साथ में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता, तो उसने क्या किया, हमास का यूज किया, है ना, आईएसआईएस वगैरह है उनको सपोर्ट किया इसने। तो फ्रंट की लड़ाई ये लोग बिल्कुल नहीं लड़ते और वो किसी दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, कि मींस बंदूक हम चलाएंगे, कंधा किसी और का होगा, और जब वापस में फायर बैक होगा तो बैक फायर किया जाएगा, तो फिर मरेगा कौन, जिसके कंधे पर बंदूक रखी हुई थी। सो आपको इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कल के एग्जाम में, सॉरी कल के जो नेक्स्ट वाला हमारा सेशन होगा डेली करंट अफेयर का, क्या क्या बन सकते हैं कि देखो वेस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं, वेस्ट एशिया में वेस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनके कोई किसी लीडर का नाम हम पूछ सकते हैं, कि ईरान का चीफ कौन है, या जो है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, है ना, इनकी कैपिटल सिटीज क्या क्या है, आसपास का क्या इनकी लोकेशन है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चंस है विच कैन बी मेड फ्रॉम फ्रेम्ड फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर। सो गाइज वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, सो गुड बाय, टेक केयर।